हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स की ओड ऑन अग्रेशन अर्न की। एक वीडियो इस पर ऑलरेडी हमने बना ली है और ये इसका सेकंड पार्ट है, तो आप उसको भी शुरू से देख सकते हैं। आज हम स्टैंजा थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कि आ हैप्पी हैप्पी बॉक्स, बॉक्स कहते हैं शाखाओं को, टहनियों को, कि इस अर्न पर, इस कलश पर कितने खूबसूरत टहनियां हैं। हैप्पी हैप्पी बॉक्स, कितने खूबसूरत, कितने खुश टहनियां हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, और तुम अपनी टहनियों को, योर लीव्स यानी अपनी टहनियों को, अपनी पत्तियों को कैन नॉट शेड, कभी नहीं गिराओगी। कि तुम इतनी हैप्पी बॉक्स हो, इतनी अच्छी टहनियां हो, लेकिन जो तुम्हारी पत्तियां हैं वो कभी नहीं गिरेगी। कैन नॉट शेड, कभी नहीं गिरेंगी। नोर एवर बिट द स्प्रिंग एडियो, और ना ही कभी स्प्रिंग यानी मौसम बहार, स्प्रिंग मौसम बहार, एडियू बोलते हैं अलविदा कहना, गुड बाय करना। कि ये जो स्प्रिंग सीजन है तुम्हारे ऊपर, जो दिखाई दे रहा है हर जगह हरियाली ही हरियाली है, गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है, तो ये कह रहे हैं जो तुम्हारा स्प्रिंग सीजन है, नोर एवर बिड एडियू, कभी तुम्हें अलविदा नहीं कहेगा, यानी तुम्हारे पास हमेशा जो ये स्प्रिंग सीजन है वो बना रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, मेलोडिस्ट यानी सिंगर, जो फ्लूट बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो देखें कि हैप्पी मेलोडिस्ट के तुम्हारे जो ये सिंगर है ये हमेशा हैप्पी रहेंगे, हमेशा ही खुश रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। कैसे? अनवेरिड, बिना थके हुए। कि ये जो सिंगर दिखाई दे रहे हैं शेप में, तस्वीरों में, ये हमेशा गाना गाते रहेंगे अनवेरिड, बिना थके हुए। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, कि ये हमेशा पाइपिंग सॉन्ग यानी गाना गाते रहेंगे, फ्लूट बजाते रहेंगे। एंड फॉर एवर न्यू, इनके गाने हमेशा न्यू बने रहेंगे, यानी जो फ्लूट बजाकर गाना गा रहे हैं, फ्लूट की आवाज में, म्यूजिक में, तो इनके गाने हमेशा फॉर एवर न्यू, हमेशा नए बने रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, कह रहे हैं कि मोर हैप्पी लव, ये कह रहे हैं जो कपल हैं, जो लव कर रहे हैं, ये हमेशा खुश रहेंगे। मोर हैप्पी हैप्पी लव, और इनका जो लव है ना, ये हमेशा खुश रहेगा। इनके लव में, इनके अफेयर में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, हमेशा ही ये कपल मोर हैप्पी, यानी हमेशा ये कपल एक दूसरे से खुशी के साथ प्यार करते रहेंगे। कह रहे हैं कि फॉर एवर वार्म, कि इनका जो लव है वो हमेशा वार्म रहेगा, यानी हमेशा ही शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ लव करते रहेंगे। एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और ये हमेशा अपने लव को इंजॉय करते रहेंगे, इनका प्यार हमेशा खुश रहेगा, हमेशा एक दूसरे को इंजॉय करते रहेंगे। नेक्स्ट देखें कि ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, ये सब इसलिए है क्योंकि ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन, के जितने भी इंसान के पैशंस हो सकते हैं, इंसान की फीलिंग्स हो सकती हैं, फॉर एबो, तुम उनसे बहुत दूर हो। कि इंसानों के पैशंस से, उनकी फीलिंग्स से, फॉर एबो, तुम बहुत दूर हो, है ना। इसका मतलब यहाँ पर यह है, क्योंकि इंसान समय के साथ में उसके पैशन बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, लेकिन चूंकि तुम तो एक तस्वीर हो, तो तुम इंसानों के पैशन से बहुत दूर हो, और इसीलिए ये चीज क्या कर रही है मुझे, दैट लीव्स अ हर्ट, अ हाई सोरोफुल, और इसीलिए इस चीज को देख कर के तुम इतने खूबसूरत हो, हर चीज हैप्पी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी तुम इंसानों के पैशन से बहुत दूर हो, इसीलिए चीज मुझे क्या कर रही है, हार्ट हाई सोरोफुल, मेरा दिल इस चीज को लेकर परेशान हो रहा है। एंड क्लोइड, और मैं यहाँ घुटन महसूस कर रहा हूँ, क्लोइड माने घुटन महसूस करना, मुझे घुटन हो रही है और मेरा दिल इस चीज को लेकर परेशान है। एंड अ बर्निंग फोरहेड, और मेरा जो सर है वो गर्म हो रहा है ना, बर्निंग फोरहेड, मेरा जो माथा है वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब भी ये होगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ। एंड अ पार्चिंग टंग, और मेरी जबान सूख रही है, पार्चिंग टंग, मेरी जबान, मेरी जो टंग है वो सूख रही है। इन सब चीजों को लेकर के सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन तुम जो हो, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर, तुम इंसानों के पैशन से बहुत दूर हो, इस चीज को लेकर मैं परेशान हूँ, मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, मेरा बर्निंग फोरहेड, मेरा जो माथा है वो गर्म हो रहा है और मेरी जबान सूख रही है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें कि वो आर दीज कमिंग टू द सैक्रीफाइस, दोस्तों ये बिल्कुल अलग सीन है, तो इस सीन पर थोड़ा नजर रखें कि वो आर दीज कमिंग टू द सैक्रीफाइस, और ये वो कौन लोग हैं, वो आर दीज, ये कौन लोग हैं कमिंग टू द सैक्रीफाइस, जो बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कि ये वो कौन से वो लोग हैं जो बलि चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, किस जगह आ रहे हैं, टू व्हाट ग्रीन एल्टर, कि ये किस एल्टर की तरफ जा रहे हैं। एल्टर यहाँ पर वो जगह है जहां पर जानवरों की बलि दी जाती है, जो भी वो जगह हो।
तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी बलि देने की जगह है जिस जगह की तरफ ये सब लोग जा रहे हैं, और इनके साथ में क्या है, कह रहे हैं जॉन कीट्स के ओ मिस्ट्रियस प्रिस्ट, अरे ओ रहस्यमी प्रिस्ट, उनके साथ में एक प्रिस्ट भी है जो आगे आगे जा रहा है कि ओ मिस्ट्रियस प्रिस्ट, अरे ओ मिस्ट्रियस प्रिस्ट, ओ रहस्यमी प्रिस्ट, लीड्स दाउ दैट हाइफर लोविंग एट द स्काइज, तुम हाइफर यानी बछड़ा जो होता है जिस जानवर की बलि दी जाती है, बछड़ा या गाय जो भी हो, तो उसे हाइफर कहा कि तुम इस हाइफर को, इस गाय या बछड़े को कहाँ लेकर जा रहे हो, लीड माने लेकर जाना, दाव माने तुम, कि तुम इस हाइफर को, इस जानवर को कहाँ लेकर जा रहे हो, लोइंग एट द स्काइज, के इस बछड़े की, इस जानवर की आवाज देखो कि किस, लोइंग माने इतनी जोर से बोल रहा है कि एट द स्काइज, के इसकी आवाज आसमान को छू रही है, कि जरा इस ओ प्रीस्ट, इस जानवर की, इस बछड़े की आवाज को देखो कि वो किस जोर से बोल रहा है, कितना वो चीख रहा है कि इसकी आवाज आसमान को छू रही है, एट द स्काइज, आसमान को छू रही है। और उस जानवर की कैसी कंडीशन है, एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, फ्लैंक्स माने कपड़े, सिल्कन माने रेशमीन, के इस जानवर पर, इस बछड़े पर रेशमीन कपड़ों को डाला हुआ है, यानी इस बछड़े के ऊपर रेशमीन कपड़ों को डाला हुआ है, विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और इसको पूरी तरह से ड्रेस्ड माने सजाया हुआ है, गार्लैंड बोलते हैं मालाओं को, फूल जो होते हैं ना इस तरह के, जो झालर और फूल वगैरह डाल देते हैं जानवर के गले में, गार्लैंड है ना, कि इस जानवर को, इस बछड़े को रेशमीन कपड़ों से और फूल पत्तियों से सजाया हुआ है। कह रहे हैं कि व्हाट लिटिल टाउन बाय द रिवर और द सी शोर, के किस गाँव से है ये लोग, व्हाट लिटिल टाउन, के वो कौन सा छोटा सा गांव है जहां से ये लोग हैं, बाय द रिवर, क्या वो किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव है, और सी शोर, ये किसी समुन्द्र के किनारे पर बसा हुआ गांव है, कि जिस गांव से ये लोग हैं, जिस जगह से ये लोग हैं, क्या वो नदी के किनारे पर बसी हुई जगह है या वो समुन्द्र के किनारे बसी हुई जगह है, कौन सी वो जगह है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। और माउंटेन बिल्ड विद अ पीसफुल सिटेडल, सिटेडल बोलते हैं दोस्तों पहाड़ी जो घर होते हैं, जो छप्पर वगैरह वाले बने होते हैं, और माउंटेन बिल्ड, ये वो, या फिर ये पहाड़ी, पहाड़ियों के ऊपर बने हुए घरों में रहने वाले हैं, यानी इनके घर समुन्द्र के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, और माउंटेन बिल्ड, या इनके घर पहाड़ियों पर बने हुए हैं, कहाँ से हैं ये लोग, ये जॉन कीट्स एक सवाल कर रहे हैं कि किस जगह से ये लोग हैं, पहाड़ी के किनारे पर, पहाड़ी के ऊपर बने हुए घरों में रहते हैं, समुन्द्र के किनारे रहते हैं, या नदियों के किनारे रहते हैं, और इस भीड़ ने, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, यानी वो कौन से पहाड़ी घर है, पहाड़ी जगह है जहां से लोग हैं, और इन्होंने अपने घरों को क्या कर दिया, एम्प्टीड, खाली कर दिया है, यानी क्यों ये लोग अपने घरों को छोड़कर सब के सब फोक, यानी ग्रुप में सारे के सारे भीड़ लगाकर अपने घरों को खाली कर आ गए हैं। दिस पायस मोन, पायस माने होली, पवित्र, प्योर, मोर माने मॉर्निंग, के इस पवित्र सुबह में, इस पवित्र मॉर्निंग में क्यों ये लोग अपने गांव को खाली कर आ गए हैं। एंड अ लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और जो इनका लिटिल टाउन, यानी जिस छोटी जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से जहां से भी ये लोग होंगे, तो कह रहे हैं उन लोगों को कि दाई स्ट्रीट, के अब तुम्हारी जो गलियां हैं, तुम्हारे गांव की जो गलियां हैं, फॉर एवर वो हमेशा के लिए विल साइलेंट बी, वो शांत हो जाएंगी, यानी तुम्हारे गांव की गलियां अब हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा के लिए विल साइलेंट बी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी, अब ना उनमें कोई आएगा ना जाएगा। एंड नोट अ सोल टू टेल, और एक आदमी भी वहां ऐसा नहीं बचा होगा, व्हाई दाउ आर डेसोलेट, जो ये बता सके कि क्यों तुमने इस गांव को खाली कर दिया है। डेसोलेट माने खाली कर देना, कि अब वहां कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा होगा जो इस बात को बता सके कि क्यों इस गांव के लोग खाली कर सब के सब यहां से जा चुके हैं, और कैन नॉट एवर रिटर्न, और वो कभी नहीं लौटेंगे, यानी तुम अपने गांव को छोड़कर आ गए हो, और गांव में एक भी ऐसा बंदा नहीं छोड़कर आए हो जो आने वालों को ये बता सके कि इस गांव के लोग कहां गए हैं, क्यों गए हैं, तो एक भी बंदा, ये कह रहे हैं कि नोट अ सोल, एक बंदा भी ऐसा नहीं बचा जो तुम इस वजह को बता सके तुम यहां से क्यों गए हो। दोस्तों ये लास्ट स्टैंजा है, अब ये सारा जो डिस्क्रिप्शन था वो जॉन कीट्स ने दे दिया है, अब डायरेक्टली वो जो है उस अर्न को, उस कलश को कहते हैं कि ओ एटिक शेप, एटिक वैसे तो एथेनियन के वर्ड आता है ये, एटिक पुरानी भाषा जो होती है, लेकिन यहाँ पर आप इसको क्लासिकल कहें,
के ओ एटिक शेप के ओ क्लासिकल आकृति, शेप माने आकृति तस्वीर, के ओ क्लासिकल आकृति ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड ओ फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरलोड, ओवरलोड माने गढ़ना नक्काशी करना, के ओ एटिक शेप ओ फेयर एटीट्यूड तुम्हारे ऊपर गढ़ी हुई है ना, तुम्हारे ऊपर गढ़ी हुई है मार्बल मैन पत्थर की इंसान बने हुए हैं एंड मेडन्स और पत्थर की औरतों को, मेडन्स यानी यंग गर्ल्स को ओवरलोड उकेरा गया है, के ओ कलश ओ अर्न तुम्हारे ऊपर पत्थर से मेडन यानी यंग गर्ल्स को मैन और मर्दों को उकेरा गया है। विद फॉरेस्ट ब्रांच तुम्हारे ऊपर जंगल की ब्रांचेस हैं, फॉरेस्ट ब्रांच शाखाएं हैं इनको उकेरा गया है, एंड ट्रोडन वीड, वीड माने घास फूस, और तुम्हारे ऊपर ये जो घास फूस है इनको उकेरा गया है, के ओ एटिक शेप तुम्हारे ऊपर पत्थर के जो है मेन बनाए गए हैं मेडन यानी यंग गर्ल्स को उकेरा गया है, ओवरलोड माने उकेरना आता है, फॉरेस्ट ब्रांच और ये शाखाएं बनी हुई हैं, एंड ट्रोडन वीड और ये घास फूस बने हुए हैं, और तुम कैसे हो दाउ साइलेंट फॉर्म, और तुम बिल्कुल एक साइलेंट फॉर्म, एक खामोशी तुम पर छाई हुई है, साइलेंट फॉर्म बिल्कुल चुपचाप हो। डस टीज अस आउट ऑफ द थॉट, लेकिन फिर भी तुम तो शांत हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टीज अस तुम मजबूर कर रहे हो, तुम पर टीज माने आता है परेशान करना, कि तुम हमें परेशान कर रहे हो, किसको, ऑफ थॉट हमारे दिमाग को, कि हमारी जो अकल है उसको तुम फिर भी परेशान कर रहे हो, तुम तो साइलेंट हो लेकिन हमारा दिमाग उस चीज में उलझ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस गांव से हैं, इन सवालों को लेकर हम थोड़ा क्या हो गए हैं, टीज, थोड़ा परेशान जरूर हो रहे हैं। As thus eternity, और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, जैसा आज मैं परेशान हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसे ही हमेशा लोग इसको लेकर एक मिस्ट्री आप बन जाओगे, लोगों के लिए अनसुलझे सवाल बन जाओगे, कह रहे हैं कि as does eternity, और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। कोल्ड पास्टरल, एक कोल्ड पास्टरल, पास्टरल कहते हैं जो विलेज के जो सीन होते हैं, गाँव के जो सीन होते हैं, कि कोल्ड पास्टरल, ये सब उस अन के लिए ही है। कह रहे हैं नेक्स्ट, थोड़ी बात बदली है, कि व्हेन ओल्ड एज, के जब हम बूढ़े हो जाएंगे, शैल दिस जनरेशन वेस्ट, और हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, यानी जब हमारी पीढ़ी बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, जनरेशन वेस्ट, ये जनरेशन खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, हम लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो दाउ शैल्ट रिमेन, तुम फिर भी ऐसे ही रहोगे, कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो फिर दाउ शैल्ट रिमेन, तुम फिर भी ऐसे ही बने रहोगे। इन मिड्स ऑफ द अदर, वो दूसरों के दुख, यानी दूसरे लोग भी तुम्हें लेकर क्या होंगे, वो माने दुख होना, है ना, कि जैसे हम लोग तुम्हें लेकर नहीं समझ पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन है हमारे अंदर, इसी तरह से अदर वो दूसरे लोग भी इसी कन्फ्यूजन के साथ में रहेंगे, देन अवर्स, जैसे कि हम हैं, कि जैसे हम लोग तुम्हें लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ नहीं क्लियर है, तो इसीलिए इसी तरह से अदर वो दूसरे लोग भी परेशान होंगे। अ फ्रेंड टू मैन टू हुम देन दाउ सेस्ट, ये कह रहे हैं अ फ्रेंड टू मैन, इंसानों के दोस्त, टू हुम दाउ सेस्ट, जिससे तुम कहोगे, यानी हमारी ही तरह फिर इंसानों के दोस्त, यानी हमारी जो जनरेशन आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलेंगे, तो वो भी तुम्हें लेकर वाओ, यानी तुम्हें लेकर जो है हमेशा मुश्किल में रहेंगे, तुम्हारे जो सवाल हैं उनको लेकर वो कंफ्यूज रहेंगे, और तुम उनसे क्या कहोगे, टू हुम, उन लोगों से दाउ सेस्ट, तुम बस इतना ही कहोगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, बहुत फेमस लाइन है दोस्तों, ये दो लाइन जो है के, और ये पहली लाइन तो बहुत ही फेमस है, कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, इज ट्रूथ, वही सच्चाई है, ये जॉन कीट्स की फिलॉसफी भी है, कि ब्यूटी इज ट्रूथ, कि जहां खूबसूरती होगी सच्चाई वही होगी, जहां फेयरनेस होगी सच्चाई वही होगी, जहां क्लियरनेस होगी सच्चाई वही होगी, यहाँ ब्यूटी के माने फेयरनेस, यहाँ पर क्लियरनेस है ना, नो कन्फ्यूजन, जहां पर नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चीज क्लियर होगी, ब्यूटी इज ट्रूथ, कि ट्रूथ ही ब्यूटी, ब्यूटी ही ट्रूथ है, ट्रूथ ब्यूटी, और ट्रूथ ब्यूटी है, यानी सच्चाई खूबसूरती है और खूबसूरती सच्चाई है, दोनों एक दूसरे के नाम है, दैट इज ऑल, और बस यही है सब कुछ, यू नो ऑन अर्थ, जो तुम जमीन पर तुम्हें जानना चाहिए, यानी जमीन पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जो तुम जानते हो वो यही है, कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी,
और अगर तुम नहीं जानते तो फिर क्या है, ऑल ही नीड टू नो, तो फिर तुम्हें इस बात को जानना चाहिए, तुम्हें इस बात को जानना चाहिए कि सच्चाई खूबसूरती है और खूबसूरती सच्चाई है। ये बात या तो सब लोग जानते हैं इस जमीन पर रहकर, और अगर नहीं पता लोगों को तो फिर उन्हें ये चीज जानने की जरूरत है कि जहां फेयरनेस होगी, क्लियरनेस होगी, हर चीज बिल्कुल क्लियर होगी, समझो कि सच्चाई वही है। और अगर सच्चा आपको दिख रहा है कि कंफ्यूजन है, तो समझो वहां पर कुछ ना कुछ मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा स्टैंजा, पूरी पोयम आज ये हो गई है। तो सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।